देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारी छोटी सी क्यारी है। यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा रखे हैं हमने, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। इसमें कुछ कुछ भी कुछ सब्जियाँ आ रही हैं, कुछ टमाटरों में फूल आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास बैंगन के पेड़ भी हैं, बड़े प्यारे प्यारे, उसमें भी फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं। थोड़ी सी पालक लगी है और लहसुन लग रखा है, और इस पे एक पेड़ है माहौरी, वो घर के लिए बहुत शुभ है। और हमने लहसुन लगा रखा है। बैंगन के प्यारे प्यारे पेड़ हैं, छोटी सी क्यारी है, हमारे छोटे छोटे बैंगन भी आ रखे हैं। ये हमारे घर में क्यारी खुद बनाई है बच्चों ने, और गोल बैंगन भी आ रखे हैं, लंबे वाले बैंगन भी आ रखे हैं। इसमें धतूरे का पेड़ भी है, पालक है, ये सब है, केले का पेड़ भी है इसमें, और नींबू का पेड़ भी है, कुछ नींबू आ रखे हैं, बैंगन का पेड़ है, और ये हमारे अनार का पेड़ है, इसमें भी कुछ फल आ रहे हैं। कुछ गुड़हल का पेड़ है, सदाबहार का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, तुलसी माता है, और इसमें पालक और धनिया भी लग रखी है हमारे दोस्तों। और हमारी छोटी सी क्यारी है, इसमें पेड़ पौधे बहुत सुंदर सुंदर से उग रखे हैं। लहसुन भी है, प्याज भी है लगा हुआ है, और ये नींबू का पेड़ है, इसमें नींबू छोटे छोटे आ रहे हैं। और वाकई ये बैंगन के पेड़ हैं, इसमें बैंगन छोटे छोटे आ रखे हैं। उसके बाद छोटे छोटे गमले हैं, इस पे हमने छोटे छोटे सदाबहार पेड़ लगा रखा है। डब्बों में, क्यारियों में, और तो हमें जो आता है हमने वही बोला है। और ये सदाबहार पेड़ है, हमेशा रहते हैं, लेकिन पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, तो पेड़ बहुत सुंदर होते हैं। और उसके बाद बैंगन के पेड़ भी इसमें साथ साथ में लगे हैं, तो पालक है और सरसों है, ये सारे अब पत्ते ख़त्म हो गया सीजन, इनके बीज आ रखे हैं। और ये पालक का पेड़ है, और ये शुगर का पेड़ है, जिसको शुगर हो जाता है ये उसका पेड़ है। सेम का पेड़ है, और ये घर के सुख शांति वाला पेड़ है, और तुलसी माता है, और अमरूद का पेड़ है बारहमासी, इसमें भी अमरूद आने वाले हैं। धनिया बड़ी सुंदर लग रखी है, धनिया भी आ रही है। केले का बहुत 2 साल पुराना पेड़ है, इस पे फल आएंगे तो आ जाएंगे, इसका कोई पता नहीं है। वाकई हमारी क्यारी बहुत सुंदर है, वाकई आप ज़रूर देखना। उसके बाद देखना आप भी ऐसे ही क्यारी बनाना जो है। ये हमारे पापड़ हैं, घर में बनाए हैं।